जय हिंद दोस्तों, केवीएस के लिए नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि केवीएस भर्ती 2022-23 आवेदन ऑनलाइन आवेदन करें। टीचिंग और नॉन टीचिंग 13,404 पदों के लिए अधिसूचना जारी हुई है। और आगे कहा गया भर्ती 2022-23 केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कुल 13,404 टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के लिए अखिल भारतीय स्तर के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आखिरी तारीख 26 दिसंबर 2022 रखी गई है। इससे पहले उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करें। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना में दी गई शिक्षा योग्यता आयु सीमा महत्वपूर्ण तिथियां चयन प्रक्रिया परीक्षा पैटर्न जैसी जानकारी की जांच करने के बाद ही ऑनलाइन फॉर्म भरें। इस भर्ती से संबंधित सभी जानकारी इस पेज पर नीचे दी गई है। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने कहा गया है। का नाम केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS, पोस्ट का नाम शिक्षण और गैर शिक्षण विभिन्न पदों पर भर्ती आई है। कुल रिक्तियां 16,000 प्लस इसमें दिखाया है। और अंतिम तिथि 26/12/2022 है भरने की अंतिम तिथि। और चयन प्रक्रिया इसमें लिखित होगा। नौकरी करने का स्थान पूरे भारत में है। और KVS अधिसूचना में नोटिफिकेशन में कहा गया केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS रिक्त पदों उन्हें सूचित किया जाता है। KVS भर्ती 2022 के बारे में KVS अधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से इस भर्ती के बारे में KVS विभिन्न पदों के शिक्षण और गैर शिक्षण भर्ती 2022 आवेदन फॉर्म भरने के लिए तैयार हैं। जो नोटिफिकेशन को पढ़िए, आप नीचे दिए गए लिंक से आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर पदों की संख्या की बात करें तो प्राथमिक शिक्षक PRT के लिए 6,414 पद हैं। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT के लिए 3,176 पद हैं। और स्नातकोत्तर शिक्षक PGT के लिए 1,409 पद हैं। और कनिष्ठ सचिवालय सहायक LDC के लिए 702 पद हैं। वरिष्ठ सचिवालय सहायक के लिए 322 पद हैं। प्रधानाचार्य के लिए 239 पद हैं। और वाइस प्रिंसिपल के लिए 203 पद, PRT संगीत शिक्षक के लिए 303 पद, पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 355, सहायक अनुभाग अधिकारी ASO के लिए 156 पद, आशुलिपिक ग्रेड 2 के लिए 54, सहायक आयुक्त के लिए 52 पद, हिंदी अनुवादक के लिए 11 पद, और वित्त अधिकारी के लिए 6 पद, सहायक अभियंता सिविल के लिए 2 पद हैं। जिसमें प्राथमिक अध्यापक की बात करें तो प्राथमिक अध्यापक UR जनरल कैटेगरी के 2599 पद हैं, OBC के 1731 पद, और EWS के लिए 641 पद, SC के लिए 962 और ST के लिए 481 पद हैं। वहीं TGT की बात करें तो उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 1305 पद, OBC के लिए 854 पद, EWS के लिए 313 पद, SC के लिए 471 और ST के लिए 233 पद हैं। वहीं PGT की बात करें तो जनरल के लिए 594, OBC के लिए 375, EWS के लिए 136, SC के लिए 305 और ST के लिए 99 पद हैं। सहायक आयुक्त की बात करें तो इसमें जनरल का 28 पद, OBC 14 और EWS का कोई 0 पद है, और SC के लिए 7 और ST के लिए 3 पद हैं। प्रधानाचार्य के लिए जनरल में 123 सीटें हैं और OBC के लिए 64, EWS के लिए 0, SC के लिए 35, ST के लिए 17। वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो वाइस प्रिंसिपल के लिए 104 पद हैं जनरल कैटेगरी में, और OBC में 54, EWS में 0, SC में 30 और ST में 15 पद हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष की बात करें तो जनरल में 146, OBC 95, EWS 35 और SC 53 और ST 26 पद हैं। वहीं संगीत के शिक्षक की बात करें तो जनरल कैटेगरी में संगीत शिक्षक के पद 124 हैं, OBC 81 है, EWS 30 है, SC 46 है, ST 22 है। वहीं वित्त अधिकारी की बात करें तो जनरल में 4 पद, OBC 1 पद, EWS 0 पद और SC 1 और ST 0। वहीं सहायक अभियंता की बात करें जनरल में 1 पद और SC में 1 पद। सहायक अनुभाग अधिकारी इसमें जनरल में 65 पद, OBC 42, EWS 15, SC 23 और ST 11 पद हैं। हिंदी अनुवादक की बात करें तो जनरल में 7 पद, OBC 2 पद, EWS 1 पद, SC 1 पद और ST 0 पद। वरिष्ठ सचिवालय सहायक की बात करें, वरिष्ठ सचिवालय सहायक इसमें जनरल 132, OBC 86, EWS 32, SC 48, ST 24।
कनिष्ठ सचिवालय सहायक के लिए जनरल से 286, ओबीसी 189, ईडब्ल्यूएस 70, एसटी 105, एसटी 52। आशुलिपिक ग्रेड टू की बात करें तो जनरल में 23 और ओबीसी 14, ईडब्ल्यूएस 5, एससी 8 और एसटी 4 पद हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये लगेंगे और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ईएसएम के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है यहाँ, और भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग द्वारा किया जाएगा। पोस्ट में आयु सीमा की बात करें तो पीजीटी शिक्षक के लिए 40 साल और पीआरटी शिक्षक के लिए 35 वर्ष और टीजीटी शिक्षक के लिए 30 वर्ष रखा गया है। जिसमें आयु सीमा में छूट की बात करें तो अलग अलग आयु सीमा रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा 35 से 40 वर्ष होनी चाहिए। शेष आयु में छूट सरकार के नियम में मिलेगी। एसटी एसटी को 5 साल और ओबीसी वर्ग को 3 साल का छूट मिलेगा। धन्यवाद। और इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं इसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो